बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद अमानत अली, जो कि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वीवो हीरा एच टीवी की जानब से आज हम आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है काली मार 12X। तो वीवो आज हम आपको पार्ट टू के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं इसके अगले सिम्टम में। जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने के बाद उनको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, खांसी की शिकायत हो जाती है। और इसके लिए ये आपने मेडिसन कालीमार 12X ये आपने इस्तेमाल करवानी है। और ये आपने एक टेबलेट सुबह और एक दोपहर को और एक रात को यूज़ करवानी है। और ये आपने 5 से 6 रोज़ यूज़ को खांसी के साथ वाइट बलगम खारज होती है, तो आपने ये मेडिसन कालीमार 12X ये मेडिसन आपने इस्तेमाल करनी है। और ये आपने 4 टाइम टेबलेट 4 4 यूज़ करनी है, यानी कि 3 3 घंटे के वक्फे के मुताबिक ये आपने 4 4 टेबलेट पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। और ये आपने 5 से 10 रोज़ इसको लाजमी इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगली सिम्टम में। वो दोस्त और वो लेडीज़ जिनको लीवर का मसला बन चुका है, यानी कि लीवर बढ़ चुका है, तो आपने ये मेडिसन काली मार 12X ये आपने यूज़ करनी है। 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से ये मेडिसन आपने 1 माह से 2 माह इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ये आपका लीवर का बढ़ जाना आस्ता आस्ता बेहतर होता जाएगा और आपको ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो लेडीज़ और वो दोस्त जिनको पाइल्स का मसला बन जाता है और पाइल्स के साथ ब्लड खारज होता है, तो भी वो आपने ये मेडिसन काली मार 12X ये टेबलेट यूज़ करनी है। और ये टेबलेट आपने 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से ये मेडिसन तकरीबन 15 से 20 रोज़ इस्तेमाल करेंगे, तो ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो लेडीज़ और वो दोस्त जिनको टेंसल्स का मसला बन जाता है और उनकी आवाज़ बैठ जाती है, और कालीमार 12X ये टेबलेट यूज़ करनी है। ये आपने दिन को 4 टाइम ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, 4 4 टेबलेट आपने इस्तेमाल करनी है, और 3 3 घंटे के वक्फे के मुताबिक ये आपने तकरीबन 3 से 4 रोज़ इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपका गला बैठ चुका है वो आपका आस्ता आस्ता ठीक होता जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो दोस्त और वो लेडीज जिनको मैदे का मसला है, मैदे के साथ गैस बनती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मैदे की गैस की वजह से सर को दर्द होता है, तो भी वो आपने ये मेडिसन काली मार 12X ये टेबलेट यूज़ करनी है। 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से आपने 10 रोज़ ये मेडिसन इस्तेमाल करनी है। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो दोस्त और वो लेडीज़ जिनको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, सांस ठीक तरह से नहीं आता, यानी कि जेस्ट का मसला बन जाता है और साथ बलगम आती है, तो भी वो आपने काली मार 12X ये टेबलेट यूज़ करनी है। और इनको 3 से 4 मरतबा 4 4 टेबलेट यूज़ करनी है, तो ये मेडिसन आपने 10 रोज़ से 15 रोज़ इस तरतीब से मेडिसन इस्तेमाल करनी है। जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको शफा होगी। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो दोस्त और वो लेडीज जिनको फीवर का मसला है और फीवर पुराने से पुराना फीवर हो चुका है या अब मसला बन चुका है, तो आप ये मेडिसन काली मार 12 ये टेबलेट यूज़ करेंगे। और ये टेबलेट आपने 4 गोली सुबह, 4 गोली रात को, और इसी तरतीब से ये 5 से 6 रोज़ इस्तेमाल करेंगे, तो ये फीवर का मसला आपका ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो दोस्त और वो लेडीज जिनको स्किन का मसला है और स्किन एक्जिमा का मसला बन जाता है और साथ ख़ारिश होती है, तो आपने ये मेडिसन कालीमार 12X ये टेबलेट यूज़ करनी है। और ये टेबलेट आपने
4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट रात को इस्तेमाल करने हैं, और ये टेबलेट आपने तकरीबन 15 से 20 रोज इस्तेमाल करेंगे तो ये स्किन का मसला आपका मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, गिलड़ बन जाते हैं, यानी कि गिलड़ बन जाते हैं या गिलड़ बनते हैं, तो आपने ये टेबलेट यूज़ करनी है, कालीमार 12X। ये टेबलेट आपने 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से ये टेबलेट आपने तकरीबन 15 रोज इस्तेमाल करना है, तो ये गिलड़ का मसला आपका मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडी जिनकी नाक की हड्डी बढ़ चुकी है, वो मार 12X ये टेबलेट आपने तकरीबन इस्तेमाल करनी है, और ये टेबलेट आपने 2 माह इस्तेमाल करनी है, 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट रात को, और इसी तरतीब से आपने लगातार ये 2 माह इसको इस्तेमाल करना है, तो ये जो नाक की हड्डी का मसला है ये आपका मसला ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडीज जिनको जिस्म पर सूजन हो जाती है, हाथों पे सूजन हो जाती है, पाँव पे सूजन हो जाती है, और जिस्म के किसी हिस्से में सूजन हो जाती है, ये 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से ये 10 से 12 रोज इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपकी सूजन पहले रोज में ही खत्म हो जाएगी। इनको किडनी का मसला है, किडनी में इन्फेक्शन हो चुकी है और साथ सूजन हो चुकी है और साथ किडनी में रेशा आ रहा है, कालीमार 12X ये टेबलेट आपने यूज़ करनी है, और ये टेबलेट आपने 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से 10 रोज ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडीज जिनको अस्थमा का मसला बन जाता है और साथ सांस की तंगी हो जाती है और साथ गले में इन्फेक्शन हो जाती है, साथ बलगम खारिज होती है, और तो और इसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, और इसके लिए आप कालीमार 12X ये टेबलेट आपने यूज़ करनी है, और ये टेबलेट आपने 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से ये मेडिसिन 1 माह से 2 माह इसको लाजमी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो मरीज जिनको सांस का मसला है, यानी कि सांस आता है, सांस फूल जाता है और सांस में दुश्वारी बहुत आती है, तो साथ सीटी की आवाज़ बजती है, यानी कि दमे का मसला है, और कालीमार 12X ये टेबलेट यूज़ करनी है, 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से ये मेडिसिन 8 रोज से 15 रोज ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो ये सांस का मसला आपका ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडीज जिनको टीबी का मसला बन चुका है, यानी कि आपने एक कोर्स किया टीबी का तो आपको फिर दोबारा टीबी होगी, तो दोबारा फिर आपने कोर्स किया तो तीसरी दफ़ा फिर आपको टीबी होगी, तो भी वो आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, कालीमार 12X ये टेबलेट आपने 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को, और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने 5 से 6 माह इसको प्रॉपर इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ये आपकी जो टीबी है ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। तो भी वो तो डैंड्रफ का मसला है और सर में खुश्की हो जाती है और सिकरी हो जाती है और साथ सर में खारिश होती है, तो इसके लिए आपने ये टेबलेट यूज़ करनी है, यानी कि काली मार 12X ये टेबलेट आपने 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट रात को, और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने तकरीबन 1 माह लाजमी इस्तेमाल करना है, तो जो आपके सर की सिकरी है, खुश्की है, डैंड्रफ है, वो आपका मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडी जिनकी आँखों में इन्फेक्शन हो चुकी है और साथ आँखों से पानी आता है और साथ आँखों में खारिश हो जाती है और आँखों में सूजन हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, तो आपने ये मेडिसन कालीमार 12X ये टेबलेट यूज़ करनी है, और ये टेबलेट आपने तकरीबन 10 से 15 रोज़ इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडीज जिनकी आँखों से पानी खारिज होता रहता है, तो भी वो ये आँखों के पानी के लिए ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने यूज़ करनी है, और ये जो है टेबलेट कालीमार 12X ये आपने 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट रात को, और इसी तरतीब से ये मेडिसिन आपने 20 रोज़ से 1 माह इसको इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला
ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलती हैं अगली सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडीज जिनके सर में ठंड लग जाती है और साथ जो माथा है वो ठंडा हो जाता है, तो भी वो साथ आपको सर में दर्द होती है, तो आपने ये मेडिसिन काली मार 12x ये टेबलेट 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट रात को इस्तेमाल करना है, और इसी तरतीब से 5 से 6 रोज इस्तेमाल करेंगे तो ये मसला आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडी तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में, वो दोस्त और वो लेडीज जिनको गले की इन्फेक्शन हो चुकी है, गले की सूजन हो चुकी है और साथ टेंसल्स का मसला बन चुका है, तो भी वो आपने ये मेडिसिन काली मार 12x ये टेबलेट यूज करनी है, और ये टेबलेट आपने ब्लड सुबह 4 दोपहर को 4 रात को और इसी तरतीब से 5 से 6 रोज इस्तेमाल करेंगे तो ये गले का मसला आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। तो भी वो इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो वीवोज इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीवोज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, वस्सलाम।